अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू डग्गा फार्मेसी आज हम बात करेंगे एमलोवास एच के बारे में इसमें दो साल्ट अवेलेबल होते हैं एमलोडोपिन एंड हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड ये फिफ्टीन टैबलेट्स की सीड्रप अवेलेबल होती है मार्केट में सिक्सटी टू एट्टी रुपीज़ इसका एम आर पी होता है इस मेडिकेशन की जो मैनुफेक्चरिंग करती है वो करती है मैकलाउड कंपनी जिसके ओनर्स ओल्ड ब्रदर्स हैं पहला स्टेप इसके यूजेज के बारे में ये हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनको हाइपरटेंशन होता है दैट मीनस हाई ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे रीज़नस होते हैं जैसे कि टेंशन फूड इनटेक और इस मेडिकेशन को यूज़ करने से हमारा हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक जैसे बीमारियों को रिड्यूस करने की क्षमता होती है नंबर सेकंड पॉइंट डोजेज इस मेडिकेशन को हम आफ्टर मील या स्नैक्स भी ले सकते हैं या बिफोर मील या बिफोर स्नैक्स भी ले सकते हैं मोस्ट प्रॉबली हम इसको मॉर्निंग टाइम में लेते हैं क्योंकि जब हम इस मेडिकेशन को लेते हैं तो हमारी जो यूरिन आउटपुट जो यूरिन आउटपुट होता है वो मैक्सिमम हो जाता है तो इसलिए हम इसको मॉर्निंग टाइम में लेते हैं रात को हम इसको इसलिए नहीं लेते क्योंकि यूरिन आउटपुट की वजह से हमारी स्लीप जो होगी वो डिस्टर्ब हो गई है नंबर थर्ड पॉइंट स्टोरेज इस ड्रग को हमें टेन डिग्री सेल्सियस टू थर्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में स्टोर करना होता है नंबर फोर्थ पॉइंट इज साइड इफेक्ट इससे हमारे नौशिया वोमिटिंग या फिर हेड है, एक होता है एंड द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें इस मेडिकेशन को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं करना चाहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द डा फार्मेसी वीडियो